दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल द रेल यात्री। कुछ ही दिनों के बाद नवरात्रि का त्यौहार शुरू हो जाएगा, तो भारतीय रेलवे ने अभी से नवरात्रि स्पेशल ट्रेनों को चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेन कब से चलेंगी और ट्रेनों का टाइमिंग क्या होगा, किस किस क्लास में आप रिजर्वेशन अभी से कर सकते हैं, इसी के बारे में आज हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे। अगर आप द रेल यात्री चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू की जा रही नवरात्रि स्पेशल ट्रेनों के नाम और नंबर कुछ इस प्रकार हैं। ट्रेन नंबर 01653 वाराणसी श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्पेशल। ये ट्रेन हफ्ते में एक दिन हर मंगलवार वाले दिन वाराणसी जंक्शन से सुबह 6:20 पर चला करेगी और लगभग 29 घंटे की यात्रा के बाद ये ट्रेन श्री माता वैष्णो देवी कटरा दिन में 11:20 पर पहुंचा करेगी। लगभग 11 स्टेशनों पर इस ट्रेन को रोका जाएगा और इस ट्रेन में स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी क्लास के कोचेस में रिजर्वेशन आप अभी से कर सकते हैं। दोस्तों लिस्ट की अगली ट्रेन है ट्रेन नंबर 09321 इंदौर श्री माता वैष्णो देवी कटरा सुपरफास्ट स्पेशल। ये ट्रेन हफ्ते में एक दिन हर बुधवार वाले दिन इंदौर से रात में 11:30 पर चला करेगी और लगभग 25 घंटे की यात्रा के बाद ये ट्रेन श्री माता वैष्णो देवी कटरा रात में 12:30 पर पहुंचा करेगी। 14 स्टेशनों पर इस ट्रेन को रोका जाएगा। ट्रेन में स्लीपर, थर्ड एसी इकोनॉमी और सेकंड एसी क्लास के कोचेस लगाए जा रहे हैं। लिस्ट की अगली ट्रेन है ट्रेन नंबर 04049 नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा सुपरफास्ट स्पेशल। ये ट्रेन हफ्ते में दो दिन हर सोमवार और शनिवार को नई दिल्ली से रात में 11:30 पर चला करेगी। श्री माता वैष्णो देवी कटरा ये ट्रेन लगभग 11:55 की यात्रा के बाद दिन में 11:25 पर पहुंचा करेगी। 10 स्टेशनों पर इस ट्रेन को रोका जाएगा। ट्रेन में स्लीपर, थर्ड एसी और सेकंड एसी की रिजर्वेशन शुरू हो गए हैं। लिस्ट की अगली ट्रेन है ट्रेन नंबर 01654 श्री माता वैष्णो देवी कटरा वाराणसी स्पेशल। ये ट्रेन हफ्ते में एक दिन हर रविवार वाले दिन श्री माता वैष्णो देवी कटरा से रात में 11:20 पर चला करेगी। 24:35 की यात्रा के बाद ये ट्रेन रात में 11:55 पर वाराणसी जंक्शन पहुंचा करेगी। लगभग 11 स्टेशनों पर इस ट्रेन को रोका जाएगा। फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर में आप रिजर्वेशन अभी से कर सकते हैं। साथ में जनरल क्लास के कोचेस भी लगाए जा रहे हैं। लिस्ट की अगली ट्रेन है ट्रेन नंबर 09322 श्री माता वैष्णो देवी कटरा इंदौर सुपरफास्ट स्पेशल। ये ट्रेन हफ्ते में एक दिन हर शुक्रवार वाले दिन श्री माता वैष्णो देवी कटरा से रात में 3:50 पर चला करेगी। लगभग 27:40 की यात्रा के बाद इंदौर जंक्शन ये ट्रेन सुबह 7:30 पर पहुंचा करेगी। 14 स्टेशनों पर इस ट्रेन को रोका जाएगा। ट्रेन में थर्ड एसी इकोनॉमी, सेकंड एसी, स्लीपर की रिजर्वेशन शुरू हो गई है। अगली ट्रेन है ट्रेन नंबर 04050 श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली सुपरफास्ट स्पेशल। ये ट्रेन हफ्ते में दो दिन हर मंगलवार और शुक्रवार को श्री माता वैष्णो देवी कटरा से शाम को 6:30 पर चला करेगी और 11:55 की यात्रा के बाद नई दिल्ली ये ट्रेन सुबह 6:25 पर पहुंचा करेगी। 10 स्टेशनों पर इस ट्रेन को रोका जाएगा। ट्रेन में सेकंड एसी, थर्ड एसी और स्लीपर के कोच लगाए जा रहे हैं। दोस्तों ये थी उन सभी ट्रेनों की जानकारी जिन ट्रेनों को भारतीय रेलवे नवरात्रि के अवसर पर शुरू करेगा। आने वाले दिनों में और भी ट्रेन शुरू हो जाएंगी। जैसे ही ट्रेन शुरू होंगी वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक जानकारी ज़रूर पहुँचा दूँगा। फिलहाल आज के इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। मिलता हूं आप लोगों से किसी और नए वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द रेल यात्री चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।